राष्ट्रीय मानवाधिकार ने पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले पर जताई चिंता। लालगंज में राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शासन से अपील की है कि वो पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि वो अपना कार्य पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकें, उन पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव न रहे। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों को धमकाने या डराने वालों के विरुद्ध कम से कम 3 साल की जेल व 50,000 तक जुर्माना तय किया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पत्रकार को डराता या धमकाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन से मेरा अनुरोध है कि वह सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं ताकि पत्रकार स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। उस समय उनके साथ अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष रायबरेली, ललित जिला उपाध्यक्ष सौरभ त्रिवेदी, तहसील अध्यक्ष लालगंज सुरेंद्र कुमार, मोहित सोनी आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता श्रवण कुमार सरनी, रायबरेली की रिपोर्ट। आज एक कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या है? मैं अजय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से अपील करता हूं कि वह पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं और आप लोग भी देख रहे हैं आए दिन। इसके पहले प्रतापगढ़ के पत्रकार श्री सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। उसके बाद उन्नाव में एक पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, और अभी 2 दिन की पहले की घटना है, रायबरेली में एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये सभी कृत्य जो इन पत्रकारों के साथ हो रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इनको संपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि ये अपना कार्य निर्भीकता पूर्वक कर सकें। यद्यपि आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए कई सारी योजनाएं लागू की हैं कि यदि उनको किसी प्रकार से कोई धमकाता है, डराता है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 साल की जेल एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पत्रकार बंधु दिन का दिन डरते रहते हैं और अपनी पत्रकारिता, जो पारदर्शिता होती है पत्रकारिता की, उसको नहीं दिखा पाते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से अपील करता हूं कि वह ऐसे मामलों में सक्रियता लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि हमारे पत्रकार बंधु अपना कार्य पारदर्शितापूर्वक कर सकें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।